स्वागत है जी आप सभी के यूट्यूब चैनल व्हीकल टीवी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप व्हीकल का री रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से आप वाहन की आरसी रिन्यूअल कर सकते हैं, उसी के बारे में जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर देते हैं परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा, क्लिक के यहाँ पे कर देते हैं। अब इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक कीजिए, व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करके स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा किस स्टेट का आपका व्हीकल है। उसके बाद आरटीओ सेलेक्ट यहाँ पे कर लीजिएगा किस आरटीओ में व्हीकल आपका रजिस्टर्ड है। आरटीओ अगर आपको नहीं पता तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके गाड़ी नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल के बॉक्स पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। अब प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए या सर्विसेज पे क्लिक करके आरसी रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करके रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे गाड़ी नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, चेसिस नंबर के लास्ट की 5 डिजिट यहाँ पर डालिए, वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए। अब मोबाइल आपका यहाँ पर दिख जाएगा, जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। आपके मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी यहाँ पे डालिए। अगर आपका मोबाइल लिंक नहीं है या फिर चेंज या अपडेट आप करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, चैनल पे आप देख सकते हो या इस वीडियो के लास्ट में उसका भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिए जो आपके मोबाइल पर ओटीपी आया है। अब सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाएगा, इस पेज पर नीचे की तरफ आ जाते हैं, इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं, प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे पेमेंट आपको दिख जाएगा कितना पेमेंट आपका लगेगा, तो वो यहाँ पे टोटल पेएबल अमाउंट में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको इसमें दिख जाएगा किस में कितना पेमेंट लग रहा है वो यहाँ पे दिख जाएगा, टोटल कितना पेमेंट लग रहा है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा पेमेंट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके SBI मल्टी बैंक पेमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस बॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है। स्टेट बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, अदर बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मैं स्टेट बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट करना चाहता हूँ तो क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। अब कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कार्ड नंबर डाल देंगे, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डालेंगे, किन के नाम पे कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डालेंगे, CVV कोड की 3 डिजिट कार्ड के बीच आपको दिख जाएगा वो यहाँ पे डालेंगे, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक कर देंगे। कार्ड से जो मोबाइल लिंक ओटीपी उस पर चला गया है वो ओटीपी यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से आ जाता है, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हो। अब इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाता है। यहाँ से आप फॉर्म 25 निकाल लीजिएगा, इस पर क्लिक करोगे फॉर्म 25 यहाँ से निकाल लीजिएगा, उसको भर लीजिएगा। उसको भरने के तरीके की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखी है, यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हो तो वीडियो आपको मिल जाएगी। इसको भर लीजिएगा, उसके बाद अपलोड कर लीजिएगा, अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके अपलोड आप कर लीजिएगा। यहाँ से जो आप फॉर्म 25 निकालोगे उसकी 3 या 4 कॉपी निकाल लीजिएगा और उन सभी को आप भर लीजिएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके उनमें से कोई सा भी एक फॉर्म अपलोड आप कर दीजिएगा, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उनको आप अपलोड कर लीजिएगा। और पेमेंट रिसिप्ट निकालना चाहते हो तो प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हो। इस तरीके से जो पेमेंट रिसिप्ट हो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑब्लिक से पहले जो एप्लीकेशन नंबर है इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दिख जाएगा कितने का पेमेंट रिसिप्ट वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, किसका कितना पेमेंट गया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी फाइनल सबमिट का भी मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनल सबमिट किस तरीके से आप कर सकते हो। फाइनल सबमिट करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अब इस तरीके से आ जाएगा, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, होम पे आप क्लिक कर सकते हो। अपॉइंटमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डाल के, ये जो वेरिफिकेशन कोड है इसको यहाँ पे डाल के गेट यूजर डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो यूजर डिटेल ओपन होके आ जाएगी। अगर आपके केस में आ रहा है कि अपॉइंटमेंट इज नोट इन योर केस अपॉइंटमेंट इज नोट एप्लीकेबल तो किसी भी डेट में आरटीओ ऑफिस जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप करा दीजिएगा। अगर आपके केस में यहाँ से
अपॉइंटमेंट हो रहा है तो अपॉइंटमेंट आप बुक कर लीजिएगा, जिस डेट का भी अपॉइंटमेंट आपको मिला है उस डेट में आरटीओ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप करा दीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर का वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस तरीके से आपको मिलेगा, लेकिन दोबारा भी मैं आपको बता देता हूँ। दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे न्यू योर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके गाड़ी नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालिएगा, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि रीप्रिंट रिसिप्ट स्लैश फॉर्म पे क्लिक करके रीप्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे गाड़ी नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, यहाँ पे चेसिस नंबर के लास्ट की 5 डिजिट डाले, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सूट डिटेल्स पे क्लिक करोगे, उसके बाद जितनी भी एप्लीकेशन आपने डाल रखी वो सभी दिख जाएगी। तो आपकी ये जो री रजिस्ट्रेशन या रिनूअल वाली एप्लीकेशन उसके आगे जो प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन उस पर आप क्लिक करोगे, पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अगर पेमेंट रिसिप्ट ओपन होके नहीं आ रही है, डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आ रहा है, तो उसी में ऊपर दिख जाएगा आपको प्रिंट रिसिप्ट का, उस पर क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हो। बाकी पेमेंट अगर आपकी पेंडिंग में चली गई है, वेरीफाई आप करना चाहते हो, तो री वेरीफाई पेमेंट ट्रांजेक्शन पर क्लिक करके वेरीफाई आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेके जाने हैं आरटीओ ऑफिस। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, वैलिड रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी, फॉर्म 25 की 3 या 4 कॉपी आप लेके जाइएगा, फीस पेमेंट रिसिप्ट, एज एंड एड्रेस प्रूफ, जो वाहन मालिक है उसको एज प्रूफ एड्रेस प्रूफ लेके जाना है। एज प्रूफ में पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और गवर्नमेंट आईडी है तो वो आप लेके जा सकते हैं। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। इसके अलावा जो भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आप लेके जा सकते हैं। अगर आपके केस में अपॉइंटमेंट था, अपॉइंटमेंट आपने बुक किया था, तो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट भी आपको लेके जानी है। अपॉइंटमेंट अगर आपने बुक किया था तो जिस डेट का अपॉइंटमेंट आपको मिला था उस डेट में आरटीओ ऑफिस जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपको करा देने हैं। अगर आपके केस में अपॉइंटमेंट नहीं था तो किसी भी डेट में आरटीओ ऑफिस जाके इन डॉक्यूमेंटों को आप वेरीफाई करा दीजिएगा। और जो वाहन मालिक है उसको जाना होगा आरटीओ ऑफिस, जो वाहन मालिक है, जो व्हीकल ऑनर है, उसको आरटीओ ऑफिस जाना होगा ये डॉक्यूमेंट लेके। जैसे इन डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करा दोगे उसके बाद यहाँ से स्टेटस देख सकते हो, नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर के थ्रू भी देख सकते हो। दूसरा तरीका है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल के कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे, उसके बाद जो एप्लीकेशन है उस पर सूट डिटेल पे क्लिक करोगे तो स्टेटस आपको दिख जाएगा। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद अप्रूवल प्रोसेस होता है। जैसे ही वेरिफिकेशन अप्रूवल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आरसी प्रिंटिंग प्रोसेस होता है। जैसे ही आरसी प्रिंट हो जाती है तो उसके बाद आरटीओ ऑफिस जाके आप आरसी कलेक्ट कर सकते हो, जो नई आरसी है उसको आप कलेक्ट कर सकते हो। बाकी आरसी अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आरसी प्रिंट पे क्लिक करके आरसी ऑनलाइन पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी व्हीकल रिलेटेड और भी काफी वीडियो हमने अपलोड करके यहाँ पे आप डालोगे व्हीकल, तो चाहे व्हीकल ट्रांसफर हो, व्हीकल एचपी टर्मिनेट, व्हीकल डुप्लीकेट आरसी, व्हीकल आरसी पर्टिकुलर, और भी काफी व्हीकल रिलेटेड वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड करके इनको आप देख सकते हैं। सोशल साइट पे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, पेज पे नीचे की तरफ आओगे, सोशल साइट के लिंक दिए हुए हैं, सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट की बात करें तो हम इस चैनल पे ओनली लाइसेंस और व्हीकल रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, इनको आप देख सकते हो। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।